वेक्टर्स, तो वेक्टर मतलब क्या है, एक ऐसा डीएनए या एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका ट्रांसमिशन में मदद करेगा जीन्स का. ओके, तो इट विल ट्रांसमिट द जीन्स या इट विल सेंड द जीन्स टू द होस्ट. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला है, इज दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर, सर, हाँ, चलिए. सो अब इसमें आपका हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासमेट. नाउ तो ये लोग अभी तक ज्वाइन ही कर रहे हैं, तुम्हारा दोस्त लोग. चलिए, सो प्लास्मिड हम लोग क्या जानते हैं उसके बारे में, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड नेचुरली इन मेनी बैक्टीरिया एंड ऑल्सो इन सम ईस्ट. ओके, तो इसलिए बेसिकली आप क्या जानेंगे, यानी जो प्लास्मिड है ये कुछ ईस्ट में भी मिल सकता है, बट जनरली ये बैक्टीरिया में मिलता है, बट कोई जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में मिले. ओके, तो ये याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्लास्मिड विल हैव, एवरी बैक्टीरिया विल हैव प्लास्मिड. ठीक है, नाउ तक घुसेंगे तो अब तो इसमें हम लोग थोड़ा लिख लिया जाए, तो प्लास्मिड में आपका एफ फैक्टर होता है कि नहीं? तो प्लास्मिड हैज एफ फैक्टर है कि नहीं? व्हाट इज एफ फैक्टर, याद है? प्लास्मिड हैज एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर विच हेल्प्स इन द, तुम लोग तो जेजेएस को समझे नहीं हो, तुम्हारे जूनियर लोग को क्या बोले? हाँ, फर्टिलिटी फैक्टर मेरे को मालूम नहीं है ना, वो क्या है, उसका काम क्या है, बोलो. ओके, फिर वो रिकॉम्बिनेशन में गैमेट विच हेल्प्स और इन द एक्सेप्ट. अंडाकरण फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. ओके, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. ओके, सो बैक्टीरिया विथ प्लास्मिड्स, ओके, प्लास्मिड्स आर नोन एज क्या, एफ प्लस प्लस स्ट्रेन. तो समझ रहे हो, इसलिए हर में बैक्ट इसमें हर बैक्टीरिया जो है उसमें प्लास्मिड नहीं होता है, जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड होगा उसको कहेंगे एफ प्लस स्ट्रेन. तो बैक्टीरिया विदाउट प्लास्मिड इज इक्वल टू क्या, एफ माइनस माइनस स्ट्रेन. तो ये आप याद रखेंगे, फाइन. तो इसलिए जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड होगा उसको हम एफ प्लस स्ट्रेन बोलेंगे, एंड जिस बैक्टीरिया में आपका प्लास्मिड नहीं होगा उसको एफ माइनस स्ट्रेन बोलेंगे. ठीक है जी. ऑल्दो प्लास्मिड्स आर नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डिविजन, दे ऑफन कन्फर यूजफुल प्रॉपर्टी टू दी होस्ट. ओके, सच एज एंटीबायोटिक. चलो वो तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा जीन होता है. तो प्लास्मिड में कौन कौन सा जीन होगा हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो उसमें वी विल राइट, तो बताइए कौन कौन सा जीन होता है, आप पढ़े होंगे अगर, जैसे आपको बैक्टीरिया में पढ़ा होना चाहिए था प्लास्मिड में. नहीं पता कैसे होगा, आप पढ़ के क्यों नहीं आए? नहीं पढ़े. आप पढ़ के क्यों नहीं आए? बिस्किट. इलेवेंथ में सेटा कौन, अरे 12th में पढ़ के सेटा कौन, आते ना. सेटा कौन, तो किसका घर में बातचीत चल रहा है? स्वयं तो बात बंद करो. क्योंकि ना एक बार मैं स्क्रीन छोड़ता मतलब वो डिलीट हो गया होगा, गल्ला गल्ला, वो आपका सेव नहीं हुआ था.
वो आप खुद याद रखोगे। चलिए तो इसीलिए नाउ अब एक्चुअली प्लास्मिड में अलग अलग जीन्स होता है। ओके कौन कौन सा जीन्स होता है प्लास्मिड में? तो उसमें नंबर वन होता है क्या आपका जो एफ फैक्टर, तो वो क्या करता है? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ फैक्टर क्या करेगा? ओके कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सेकंड? उसमें होगा रेजिस्टेंस के लिए जीन्स, निफ जीन्स मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तापरे उसको हम लोग आर जीन्स कहते हैं। आर जीन्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सम, तो आर जीन्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सम क्या एंटीबायोटिक्स। ओके तो आर जीन्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद क्या होता है? कॉल जीन्स ये क्या है? इसको कॉली सिनोजेनिक फैक्टर बोलते हैं। तापरे होची ओरिजिन। ओरिजिन क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद आरओपी जीन होता है। तो दे कोड फॉर प्रोटीन्स दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड्स एटसेट्रा। तो इसलिए जनरली ये सब जीन होते हैं और भी इधर उधर का कुछ भी जीन हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो प्लास्मिड्स में ये जीन आपका होता है नाउ। तो इसीलिए द प्लास्मिड मॉलिक्यूल कैन बी प्रेजेंट एज वन और टू कॉपीज और मल्टीपल कॉपीज इनसाइड द होस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। माने आपका जनरली जो प्लास्मिड है वो एक या दो होगा बट ज्यादा भी हो सकता है। तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? बोलिए इसमें ज्यादा हो। यस yes, हमारा मेन मकसद क्लोनिंग है, इसलिए जिसमें ज्यादा प्लास्मिड हो वो अच्छा है बट नॉट पहले से ज्यादा हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप किस में डालोगे फिर उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ओके तो आपको कोई ऐसा लेना है जिसमें एक दो हो पर जिसमें ज्यादा हो सके। ओके हमने उनमें कोई थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है। क्यों बोलो? ताकि हम क्लोनिंग कर सके, मतलब ज्यादा मिल सके हमको। उसको मॉडिफाई करने का जरूरत क्या है? उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होता है, ये वाला पॉइंट भी लिखना है। उसके बाद ये है 4, ये है 5, ये है 6 एंड उसके बाद ये भी हम 7 भी लिख सकते हैं। 7 है रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके रेस्ट्रिक्शन साइट्स माने जहां आपका एंडोन्यूक्लियस काटेगा। तो एक्चुअली व्हाई वी प्रिफर नेचुरल आर्टिफिशियल प्लास्मिड, जैसे आपका जो नेचुरल प्लास्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा
ठीक है, बट आपके आर्टिफिशियल में ज्यादा हो सकता है। तो एक्चुअली हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें उसको अपने तरीके से यूज करना है। क्या करना है हमको, उसको ऐसा यूज करना है कि हम क्या करें, हमको उसको ऐसा यूज करना है कि वो जो है प्लास्मिड, ओके, उसको हम दोबारा माने जैसे ढूंढ पाए। तो ढूंढने के लिए उस प्लास्मिड को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सहारा लेंगे, अंडरस्टूड। इसीलिए अब सपोज आपने ढूंढ लिया, बट और भी तो प्लास्मिड हो सकता है ना जिसमें वही रेजिस्टेंस हो। तो इसीलिए अगर एक से ज्यादा प्लास्मिड है तो लोकेटिंग इज इजी। अब सपोज मुझे गौती को ढूंढना है, अब मैं शॉर्ट हेयर्स ढूंढ रहा हूं, है ना, फैट साइज ढूंढ रहा हूं, तो इसलिए अब उसमें तो गौती भी आ जाएगा और वो आपने हमारी जागृति भी आ जाएगी, दोनों फैट है एंड दोनों का शॉर्ट हेयर है ना। तो देन हाउ विल आई एग्जैक्टली कंक्लूड ऑन गौती, तो आई नीड मोर कैरेक्टर्स, समझे कि नहीं। इसलिए जब आप अपना प्लास्मिड को ढूंढेंगे तो आपको और भी कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी उनकी पहचान के लिए। सो वी नीड मोर जीन्स, है कि नहीं। समझ में जनरल, समझ में आया, तो लाइक दैट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए डिजाइन प्लास्मिड में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सपोज आपका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ओके, सी व्हाट हैपेंस, वो जीन जो हम लोग यूज करते हैं उससे हम किसको काटेंगे, बताइए, बोलो जल्दी जल्दी, किससे किसको काटेंगे सर? सर जीन जो यूज करते हैं, हाँ, जीन को काट दिया हूं। और सर प्लाज्मिड को सर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट में काटेंगे? नहीं, तो कैन वी यूज टू डिफरेंट एंजाइम्स, एक से जीन को काटेंगे, एक से प्लास्मिड को काटेंगे? सर एक ही करना पड़ेगा दोनों के लिए, क्योंकि सर इधर जो स्टिकी एंड प्रोड्यूसर है उधर मतलब कॉम्प्लीमेंटरी होने से ही फिक्स होगा। समझ में आया? तो खाली दांत थिले जोड़ी हबनी, वो कॉम्प्लीमेंटरी भी होना चाहिए, ओके। सो दैट इज व्हाई जिस एंजाइम से आप प्लास्मिड को काटेंगे बिल्कुल उसी एंजाइम से आपको डीएनए को भी काटना पड़ेगा। सपोज ऐसा नहीं हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, माने जो प्लास्मिड आपका है, माने जो एंजाइम्स आप जो प्लास्मिड तुमने लिया उसमें हो नहीं रहा, माने आइदर डीएनए काट रहा है या आपका प्लास्मिड कट रहा है, तो क्या किया जाए? सर सर प्लास्मिड में सर वो रिकॉग्निशन साइट को हम आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर देंगे, कर सकते हैं। माने आपको आर्टिफिशियल प्लास्मिड चाहिए, मुझे लग नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो नेचुरल प्लास्मिड है ऐसा हो सकता है कि उसमें हर वो चीज ना हो जो आपको चाहिए। तो इसीलिए आज के डेट पे इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वी क्रिएट आवर ओन प्लास्मिड्स, ओके। जैसे आपके एनसीईआरटी में, इन योर एनसीईआरटी ओनली वन प्लास्मिड इज गिवेन, दैट इज PBR-22, ओके, PBR-322। नाउ व्हाट इज P stands for plasmid. What is BR? It stands for Bolivar and Rodriguez. Okay, Bolivar and Rodriguez, जो उनके discoverers हैं. Okay, discoverers. Hello. तो इसीलिए जो PBR-322 है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो आपका एक्चुअली, आप लोग थोड़ा मेरे को लाइक करते हो इसलिए मैं आपको अलग टेक्नोलॉजी बुक दिखाता हूँ, बट F1 को ओनली आपका एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी दिखाता हूँ, समझ रहे हो।
लाइक दैट. ये आपका बायोटेक्नोलॉजी बुक नहीं है, दिस बुक इज ओनली ऑन बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे हो? ये एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी बुक है. तो इसलिए पीबीआर 322 जो है वो एक प्लास्मिड है जिसको बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने डिस्कवर किया था. उसी तरह यहाँ पीयूसी फैमिली दिया है, तो व्हाट डज पीयूसी स्टैंड फॉर? रसो तुम पढ़े का था ना, ना पढ़े की पढ़ लास्ट टाइम कुछ पढ़े. एक्चुअली रश्मि रंजन, आप बिना पढ़े क्यों क्लास में आते हो मुझे समझ में नहीं आता है. तो पी अगेन स्टैंड्स फॉर प्लास्मिड एंड यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. यस सर. ओके, जहां ये डिजाइन किया गया. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द पीयूसी फैमिली. ओके, नाउ दिस प्लास्मिड कंटेन्स टू डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड रिकॉग्निशन साइट फॉर सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो जो आपका पीबीआर 322 में है उसमें टेट आर है एंड एम आर है. ओके, what is tetar and ampar? Tetracycline resistance, tetracycline or ampicillin. Ampicillin. Okay, ampicillin yes, resistance. तो ये दो resistance जीन होता है. Okay, and आपका PUC plasmid तो family दे दिया है, एक particular दिया नहीं है, तो इसमें भी हम बाद में discuss कर सकते हैं. इसमें लिखा है these vectors contain region for lac Z gene. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जो लैक जेड जीन है वो किसके लिए कोड करता है? हम पढ़े हैं ऑलरेडी इन ऑपरन कंसेप्ट. तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कॉज करता है ना. तो होगा क्या? तो एक्चुअली ओके, एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? The beta galactosidase, okay, beta galactosidase enzyme, okay, is coded by lac Z gene. Okay, now तो जनरली क्या होता है उसको हमें मालूम नहीं है. हमको मालूम है वो लैक्टोज ब्रेक डाउन करता है, बट इट हैज एन आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट नोन एज क्या? एक्स गैल. ओके, तो उसका एक आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है नोन एज एक्स गैल, विच इज colorless but produces blue colored product. समझ रहे हो? तो ये समझ में आया? तो ये खुद तो कलरलेस है बट ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है. अंडरस्टूड? तो उसका मतलब क्या है आप ये आप समझिए, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी ये सब जो टॉपिक्स है जैसे बहुत बहुत एडवांस टॉपिक्स है एंड आज का टॉपिक्स है, इसलिए आपको इसमें भेजा यूज करना ज्यादा जरूरी है. ना अब हम लोग जीन डालना है भैया. ओके, तो विल यू पुट द जीन इन एफ फैक्टर? मे नॉट बी. ओके, हम आपका जीन कहीं भी जो जो आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कहीं भी हो सकता है ना. तो आप क्या आप ओरिजिन में डालेंगे? ओरिजिन के अंदर आपका जीन नहीं? क्या? नहीं सर, क्योंकि उसके साइड में क्लोनिंग नहीं हो पाएगा. हाँ, ओरिजिन के बीच में अगर आप डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा सर? रेप्लिकेशन नहीं होगा. बस, तो इसलिए नहीं डालेंगे. आरओपी जीन के बीच में डाल दें? नहीं नहीं, तो हमारा जो रेप्लिकेशन प्लाज्मिड्स नहीं निकलेगा जिससे. तो समझ रहे हो, काई के जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कहीं भी हो सकता है, बट कौन सा जीन में वो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑलवेज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो भी आपका एग्जाम में आएगा.
सो उसको हम लोग कहते हैं एलियन जीन इनएक्टिवेशन. तो समझ रहे हो, जब कोई एलियन जीन को आप किसी और जीन में घुसा दोगे तो वो जीन इनएक्टिव हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा. तो बुझे ला. नाउ सपोज हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में डाला, तो आप हम उसको दो जीन्स हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में डालेंगे, तो विल दैट बैक्टीरिया हैव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और नॉट? नो सर. नो सर. तो इसलिए आपका वो आप जीन काम नहीं करेगा. तो आपने सिर्फ एम्पिसिलिन से चेक किया, तो आपने एम्पिसिलिन डाला तो जो बैक्टीरिया बच गया वो कौन, आपका ना किसी और का? हमारा भी और कभी और तुम्हें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. आपने एम्पिसिलिन डाला है ना, तो तुम्हारा बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था तो वो बच गया है कि नहीं, बट बाकी सारे मर जाएंगे. बुझला? तो बुझलू रश्मि महामूर्ख, अब सब जब बच जाएंगे तो तुम्हारा कैसे ढूंढोगे बेबे? तो भेजा थोड़ा यूज करो ना, अरे मुंडोटा खट्टा है, बोलने से पहले थोड़ा सोचो. अगर आपका सब जीन है, सारा बैक्टीरिया तुमने एम्पिसिलिन वाला ले लिया, तो पहचानोगे कैसे अपना बैक्टीरिया? तो इसीलिए आपको ऐसा प्लास्मिड यूज करना है जो और किसी के पास ना हो. मुझे वाला तो सेफ है. जब आपने एम्पिसिलिन डाला तो सिंस योर बैक्टीरिया हैज दिस प्लास्मिड, तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो बच जाएगा. सिंस अदर में वो जीन नहीं है तो वो मर जाएंगे. बुझला? यस सर. नो. समझ में आया? Again, sir. But, तुम तो बड़ा स्मार्ट है यार रश्मि, तू चाइम बुआ सब मिल जीव ना कण मन इच्छा मन 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 तो तुम्हें कौन सब बैक्टीरिया देखी दीच ना कौन है? तो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई नेचर में और बैक्टीरिया हो जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन हो. रेजिस्टेंस जीन हो, यस सर. तो इसका मतलब है आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि जो सिलेक्शन एम्पिसिलिन के बाद हुआ उसमें और कोई बैक्टीरिया नहीं है. शायद कोई और बैक्टीरिया भी हो, आपने ना देखा हो. अंडरस्टैंड? तो अब हम क्या करेंगे भैया, हमारा तो टेट्रोसाइक्लिन रेजिस्टेंस गए हो, तो नाउ वी कैन नॉट चेक इट ना क्या. बट उसमें आप कर सकते हैं, सपोज आपने जो बैक्टीरिया लिया था, ओके, तो जो बैक्टीरिया आपने लिया था आप वो कल्चर में आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डाल दो, ठीक है? नॉट इन द मास्टर प्लेट, प्लेट वन. प्लेट वन किस में था जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, ओके? प्लेट वन में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था. प्लेट टू में आप क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन भी डाल देंगे. तो जैसे ही आपने टेट्रासाइक्लिन डाला तो क्या होगा बोलिए, कौन मर जाएगा, आप वाला ना दूसरा वाला? सर हमारे वाले. हमारे वाला. तो इसका मतलब जो बच गया वो कौन है? सर नेचुरली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. नहीं नहीं, जो तमर ना तमर नुह, बस इतना बोलो सर. तो अब कंपेयर करेंगे आप प्लेट वन के साथ. जनरली हम लोग रेप्लिका प्लेट्स बनाते हैं, हम अपना मास्टर प्लेट एक्स्ट्रा नहीं करते. तो प्लेट वन में से आपने एक रेप्लिका प्लेटिंग किया, ओके, सो उसमें से आपने देखा. तो प्लेट टू में जो मर गया वो तुम्हारा, जो बच गया वो हमारा नहीं. तो इसलिए आप कंपेयर विथ प्लेट वन कि कौन सा कॉलोनी मिसिंग है, आप उसके स्कोर कलेक्ट करो, ठीक है? क्योंकि वो आपका बैक्टीरिया है तो आप यूज कर सकते हो, भले ही वो उड़ गया हो मैक्स, बट आप स्टिल उसको कर सकते हो. बट चलिए एक और का ऑप्शन है हमारे पास, लैग जेड जीन, ठीक है? अब लैग जेड जीन में आपने जीन डाला है क्या, बोलो?
लैग जेड जीन में आपने जीन डाला है? नहीं सर। नहीं डाला है तो वो फंक्शनल होगा ना नहीं होगा? होगा होगा सर फंक्शनल। क्या बनाएगा? जब आपने बीटा गैलेक्टोसाइट बनेगा अब आप उसको एक्स गैल दो तो एक्स गैल देने से क्या होगा सर? वो सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। नहीं नहीं तो कलर क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लू ब्लू होगा। तो आप ब्लू ब्लू कॉलोनी किन्स का बैक्टीरिया है? हमारा ना किसी और का? हमारा हमारा हमारा। ओके आओ समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। वने 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 वने। ओके अरे महामोरा बोले। अरे महामोरा सुनो अब तो हम लैग जेड पहले यूज करेंगे ना प्लेट वन प्लेट टू के बाद यूज करेंगे? विल यू यूज लैग जेड इन मास्टर प्लेट ना प्लेट वन प्लेट टू प्लेट थ्री? जैसे हमने प्लेट वन में क्या ऐड कर दिया था? एम्पिसिलिन। प्लेट टू में क्या ऐड किया था? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इंस्टेड ऑफ टेट्रासाइक्लिन हम प्लेट टू में एक्स गैल दे सकते हैं, है कि नहीं? तो अब ये कंफर्म करेगा कि ये तुम्हारा है। क्यों बोलो? क्योंकि ऑलरेडी प्लेट वन में हमने क्या किया है? बाकियों को मार दिया है। yes. उसमें हमारा जिंदा है और शायद एक दो हो। अब वो जो शायद एक दो हो उसमें शायद लैग जेड ना हो। देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी में कितना सारा शायद होता है। अंडरस्टूड? तो समझ में आया? बट अगर हम पहले प्लेट वन में लैगजेड यूज करें तो एंड प्लेट टू में एम्पिसिलिन यूज करें तो क्या गड़बड़ हो सकता है? तो लैगजेड बहुत बैक्टीरिया में हो सकता है भाई। लैगजेड एक कॉमन जीन है, समझे कि नहीं? लैगजेड इज ए कॉमन जीन तो इट मे बी फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया क्योंकि लैक्टोज तो उनका फेवरेट सब्सट्रेट होता है ना, तो इसीलिए वो इंडिकेटिव नहीं होगा। समझ में आया? बट आप सब कुछ ढूंढने के बाद अगर आप लैग जेड यूज करते हो तो वो क्लियर कर देगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और नॉट? यस सर। आस्था? यस सर। आस्था देवी? बिकॉज यही सब चीज वो लोग पूछेंगे रे बाबा। तो ओके ना हाँ बोलो सर। हम ऐसे नहीं कर सकते, लैग जेड जीन के अंदर इंसर्ट कर देंगे और जो बैक सर उसके बाद एक्स गैल दे देंगे तो जो करेक्ट करेक्ट जो वेरी गुड, ब्लू कलर। वेरी गुड परफेक्ट बात बोल रहे हो। हम सेपरेट कर सकते हैं। परफेक्ट नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सपोज हमने लैग जेड में डाला तो कौन सा कलर होगा हमारा बैक्टीरिया का? कलर नहीं सर, हमारा ना कलर नहीं होगा। White हमारा होगा, हमारा कलर है। हमारा कलर तो हमारा व्हाइट कलर होगा एंड दूसरे का ब्लू होगा। वेरी गुड, मजा आ गया रुद्र। हां सर। ये तो एमटी का पाठ पढ़ले मजा आवे ना, खाली बस की चुप मुक्का बधिर क्लास करले कौन हो। गुड, दिस इज आल्सो पॉसिबल, है कि नहीं? तो अबर लैग जेड थिले भी भलो न थिले भी भलो आमे यूज करी परबा। इज परफेक्टली राइट। चलिए समझ में आया? तो अब ये स्क्रीन सेव कर दिया जाए। अब आपको अपना बुक दिखाया जाए, योर फेवरेट बुक। ठीक है, सो दिस इज योर फेवरेट बुक। तो ये हमारा एनसीईआरटी है, आपका प्यारा हमारा न्यारा। तो ये जो इसमें आपका दिया है कि द फर्स्ट बैक्टीरिया, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दैट प्लास्मिड जो है उसको सबसे पहले रिपोर्ट क्या किसने किया था? Stanley Cohen and Herbert Boyer. Okay, Stanley Cohen and Herbert Boyer. तो उन्होंने रिपोर्ट किया था किस में से? In the
So in the it was in Salmonella typhimurium. Okay, so Salmonella typhimurium से इसको report किया गया था. Clear? चलिए तो अब इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं आपका प्लास्मिड के बारे में देखेंगे. हाँ तो ये सब तो हमारा हो गया था पिछले क्लास में जो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे. ये देखो ये एक्चुअली दिखा रहा है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके रश्मि रंजन, तो ये आपका फॉरेन डीएनए है, ये आपका प्लास्मिड है. तो हम एक पर्टिकुलर रीजन में फॉरेन डीएनए को कट करेंगे एंड उसमें से जो ऑलिया रीजन है उसको हटा देंगे. फाइन, एंड डीएनए को भी काटेंगे. तो डीएनए एज वेल एज प्लास्मिड बोथ को काटने के लिए हम सेम एंजाइम्स यूज करेंगे. अंडरस्टूड? एंड देन फिर लाइगेज देंगे, वो उसको जोड़ देगा. ठीक है, तो जो जोड़ ये कंसेप्ट है एक्चुअली जिसमें डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट. तो समझ रहे हो, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट. अंडरस्टूड? किंतु अब इस डीएनए से प्रोडक्शन शुरू हो गया, माने सेल इज स्टार्टिंग टू यूज दिस, माने अब वो होस्ट बदल गया, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड लाइवर से लाइवेस. याद है कि नहीं, लाइवर से लाइवेस. भाई खाली जीन घुस गया वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है. सपोज जो लाइवर वाला था उसके पास लाइवेस का कुछ जो डेंजरस जीन चला गया बट वो एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसका बैक्टीरिया क्या बनेगा बोलो? जीन हैज कम बट नॉट एक्सप्रेस, रहेगा वो लाइवर रहेगा. तो इसलिए हम उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट ना रिकॉम्बिनेंट? रिकॉम्बिनेंट. राइट, बहुत कंट्रोवर्सी अच्छे ये बही रहे तो भले रे पूछो. हो गया, तो जिसके पास जीन है वो रिकॉम्बिनेंट है, बट जिसने उस जीन को यूज किया एंड बदला उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट. तो समझ रहे हो, जैसे लैग जेड जीन आपने घुसाया तो लैग जेड कब काम करेगा बताओ? सबस्ट्रेट आएगा. हाँ, जब सबस्ट्रेट दिया जाएगा. हाँ, तब वो अपना जीन को एक्सप्रेस करने का कोशिश करेगा, तब आपका वो जो इंसर्ट जीन काम करेगा. हैला, सपोज आप इंसुलिन बनाना चाहते हो, तो जब इंसुलिन बनाना चाहोगे तो आप बैक्टीरिया को क्या दोगे, लैक जेड का सबस्ट्रेट. इस केस में लैक्टोज दोगे, एक्स गैल नहीं, क्योंकि एक्स गैल हम उसको ढूंढने में यूज करते हैं, बट बैक्टीरिया को एक्सप्रेस कराना है तो क्या करेंगे? अरे मैंने बोला था आयुष्मान को गौती हाथ अटैक के लिए उड़े दो, हैला, किंतु गौती हाथ तो उठा ही नहीं रहा है, तो वो मर नहीं रहा है गौती. तो हाउ टू किल गौती, क्योंकि आयुष्मान तो दूर खड़ा है, वो स्पॉटर है, वो दूर से गन लेके खड़ा है, तो वो कब गोली चलाएगा? जब वो हाथ